हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगह है जिसे कि हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते, और उन्हीं में से एक है अमेजोन का जंगल। पृथ्वी पर मौजूद ये जंगल पृथ्वी का फेफड़ा भी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पैदा होने वाली 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि ये अकेले ही 9 देशों में फैला हुआ है, और इसी अमेजोन जंगल में ही सबसे लंबी नदी पाई जाती है जिसे अमेजोन रिवर भी कहते हैं, जो कि 7,000 किलोमीटर लंबी है। अमेजोन जंगल की उत्पत्ति आज से 5.5 करोड़ साल पहले हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम आज भी इसे पूरा नहीं जानते, क्योंकि इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अमेजोन जंगल में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जिसका पानी हमेशा ही उबलता रहता है, और जिसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी में बहने वाला पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हमेशा ही उबलता रहता है। इस नदी में आप चाहते हुए भी हाथ नहीं डाल सकते। अगर गलती से आप इस नदी में गिर जाएंगे तो आप तुरंत ही उबल जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैज्ञानिक अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं कि इस नदी का तापमान इतना ज्यादा क्यों है। नदी के आसपास रहने वाली जनजातियों का कहना है कि ये किसी देवी का चमत्कार है। अमेजोन के जंगल में कई सारे विचित्र जीव भी पाए जाते हैं। आमतौर पर तो आपने पानी में तैरने वाले जीव तो देखे ही होंगे, लेकिन अमेजोन के जंगल में एक ऐसी अजीब छिपकली पाई जाती है जो पानी में तैरती नहीं बल्कि पानी के ऊपर दौड़ती है। इस छिपकली को जीसस लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। ये छिपकली शिकारियों से बचने के लिए अपने 2 पैरों पर ही पानी के ऊपर कुछ इस तरह से भागती है, और इसको ऐसा देखकर लगता है कि जैसे कि कोई साइकिल चला रहा हो। इसके पैरों में कुछ विशेष प्रकार के जाल होते हैं, और जिस वजह से ये छिपकलियां आसानी से ही पानी के ऊपर भाग सकते हैं। अमेजोन के जंगल में कुछ विचित्र मेंढक भी पाए जाते हैं, जो कि इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप उनके शरीर के अंदर के हिस्सों को भी देख सकते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर ये मेंढक अपने आप को बचाने के लिए वातावरण के हिसाब से अपने रंगों को भी बदल लेता है, ताकि ये किसी को भी आसानी से दिखाई न दे। इनके ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप इनके दिल को भी धड़कते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसके शरीर के बाकी अंदर के हिस्से भी हम आसानी से देख सकते हैं। अमेजोन के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी पाया जाता है, जिसे रेफ्लेशिया कहा जाता है। ये फूल एक आम इंसान की जितना बड़ा होता है। इस फूल का वजन करीबन 60 किलो तक का होता है। इस फूल से खुशबू नहीं आती बल्कि बहुत ही तेज बदबू आती है, और ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई मांस सड़ गया हो। इस फूल को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, लेकिन पैदा होकर ये फूल सिर्फ 6 से 7 दिन तक जीता है, और इसके बाद ये फूल बिल्कुल काला पड़कर और खत्म हो जाता है। अमेजोन के जंगल में कुछ ऐसी मकड़ियां भी पाई जाती हैं जिनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उनकी रचना को देखकर आपका सर घूम जाएगा। इन स्पाइडर को डिकॉय बिल्डिंग स्पाइडर कहा जाता है। खुद को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए ये मकड़ी कूड़े कचड़े और मरे हुए कीड़ों से अपनी जैसी बड़ी और डमी मकड़ी बना देती है, ताकि शिकारी इन डमी मकड़ी को बड़ी मकड़ी समझकर डर कर वहाँ से भाग जाए। अपने जैसी दिखने वाली बड़े साइज की मकड़ियों को बनाने वाली ये मकड़ी खुद ही सिर्फ 5 mm की होती है। साइज तो कम है, लेकिन दिमाग में ये बहुत ही ज्यादा है। छोटी मकड़ियां ही नहीं बल्कि अमेजोन के जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियां भी पाई जाती हैं, जिसे कोलियात बर्ड ईटर के नाम से जाना जाता है। और ये मकड़ी पक्षियों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं डरती। ये मकड़ी साइज में 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके सामने दुनिया की सभी मकड़ियां सबसे छोटी नजर आती हैं। इसके शरीर पर मौजूद हजारों बाल दूर दूर तक जीवों की मौजूदगी की आहट को पहचान लेती हैं। चूहों और छिपकलियों को ये आसानी से अपना शिकार बना लेती है। इंसानों के लिए ये मकड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर इसके बाल को आपने छू लिया तो आपके शरीर में कई दिनों तक भयानक खुजली भी हो सकती है। अमेजोन के जंगल में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जिसके काटने से आपको ऐसा दर्द होगा मानो आपको किसी ने गोली मार दी हो। इस चींटी को बुलेट एंट भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, और ये चींटी एक बुलेट के साइज जितनी ही होती है। अगर इस चींटी ने
आपको काट लिया तो करीबन 24 घंटे तक आपको ऐसा दर्द होता रहेगा जैसे कि किसी ने आपके ऊपर बंदूक से गोली चला दी हो। छोटे जीव हो या बड़े, अमेजोन के जंगल में एक से लेकर एक भयंकर जीव मौजूद है जो कि इस जंगल में आपका रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देंगे। अमेजोन के जंगल में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसे कि सबसे बड़ा पत्ता कहा जाता है, यानी कि वाटर लिली। ये वाटर लिली पानी के ऊपर तैरता है और ये साइज में करीबन 3 मीटर बड़े होते हैं। ये वाटर लिली एक बड़े साइज जितना आदमी के वजन को झेल सकती है। अमेजोन के जंगल में अगर आपको ये दिखाई दे तो आप इसके ऊपर बैठकर पानी के ऊपर फ्लोट भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी मजेदार एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसी अमेजोन के जंगल में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कि अगर किसी पेड़ की टहनी पर बैठे हों तो फिर ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि ये पेड़ की पत्ती है या कोई जीव। इसे लीफ मिमिक कैटेडिक के नाम से जाना जाता है। प्रकृति ने इन जीवों को ऐसा हुनर दिया है कि ये अपने शरीर को किसी पेड़ के पत्ते जैसा ढाल सकते हैं ताकि ये अपने आप को किसी दूसरे जानवर से शिकार होने से बचा सकें। आपने स्टोनहेंज के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अमेजोन के जंगल में एक ऐसी मकड़ी है जो कि अपने जाल से स्टोनहेंज जैसी स्ट्रक्चर बनाती हुई दिखाई देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मकड़ी ने अपने जाल से एक स्टोनहेंज जैसी आकृति तैयार की है। इस स्ट्रक्चर को सिल्क हैंग भी कहा जाता है। अभी तक इस बात का मालूम नहीं चल पाया है कि आखिर ये मकड़ी इस तरह के डिजाइन को क्यों बनाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मकड़ी अपने अंडों को बचाने के लिए ऐसा करती होगी। अमेजोन के जंगल की सबसे खास बात यह है कि इस जंगल में अधिकतर ही अंधेरा पाया जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन तक पूरी तरह पहुँच नहीं पाती है। ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना है और सूरज का प्रकाश यहाँ पर मौजूद पेड़ों की पत्तियों से टकराकर जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, और जिस वजह से इस जंगल में दिन के समय में भी अंधेरा पाया जाता है और रात के समय यहाँ पर और भी घना अंधेरा हो जाता है, और इस वजह से ये जंगल और भी खौफनाक बन जाता है। अमेजोन के जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ एलियंस भी मौजूद हैं, क्योंकि इंसान की पहुँच इस जंगल में काफी कम है। इस वजह से एलियन से छिपने के लिए ये एक अच्छा अड्डा है। ब्राजील के एक शहर में 2 ब्रिटिश टूरिस्ट घूमने आए हुए थे। यहाँ पर इस जंगल में इन्होंने कुछ तस्वीरें खींची थी, लेकिन एक फोटो में इस अमेजोन के जंगल में कुछ अजीब एलियन जैसे भी दिखाई दे रहे थे। ये फोटो पूरी दुनिया भर में वायरल हो गई थी और लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अमेजोन के जंगल में एलियंस भी मौजूद हैं। 1977 में ब्राजील सरकार ने अमेजोन के जंगल में एलियंस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वहां की वायु सेना के साथ एक मिशन का शुरुआत किया और पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन उन्हें एलियंस का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर उस फोटो में एलियंस कहां से आए। ये सवाल अमेजोन के जंगल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। दोस्तों, अमेजोन के जंगल के रहस्य अभी भी यहीं पर ही खत्म नहीं होते हैं, और इसी जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो कि चलते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेजोन के जंगल में चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं, लेकिन ये पेड़ हम इंसानों की तरह दो पैरों पर नहीं चलते, बल्कि ये पेड़ अपनी जगह से सरकते रहते हैं और इनके सरकने की स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी है। असल में इन पेड़ों की जड़ें सूरज की किरणों की तरफ बढ़ती रहती है और ये पेड़ पीछे की जड़ों को छोड़कर आगे नई जड़ें बनाता रहता है। इस तरह से धीरे धीरे ये पेड़ आगे की तरफ सरकता रहता है। दोस्तों, अमेजोन का जंगल काफी ज्यादा रहस्यमयी है, जहाँ पर कि बहुत सारे जीव जंतु मौजूद हैं, लेकिन हम इंसान अभी भी इस जंगल को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस जंगल को धीरे धीरे काट कर खत्म भी किया जा रहा है। अमेजोन की जंगल की कटाई से ये जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर इस जंगल के पेड़ों के अवैध कटाई को रोका नहीं गया तो करीबन अगले 40 सालों में अमेजोन का जंगल पूरी तरह खत्म हो सकता है, और इसका असर हमारी धरती पर बहुत ही बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि इस जंगल को धरती का फेफड़ा कहा गया है और ये जंगल ही अकेले 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों लाइक कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।